क्या रीजन रहा आज आप 3 साल बाद अपने ससुराल आई हो? क्या शादी कर रखी है? झूठ बोले, रोज आए दिन झूठ बोलते है। मैंने शादी नहीं कर रखी, बच्चा कर रखा, पूरा गांव का भाई इसका, हम पागल हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कसम देख भैया देख, अब इनका ही आरोप है कि आपके बेटे ने दूसरी शादी, हमने ना करी शादी वादी, झूठ बोल रही है, हमने ना करी, हमारे बच्चे तेरे पे, तू लेके हमारे बच्चे को। तुम्हारा क्या बीच है, तुम्हारा क्या बीच है बोलने का? इनकी आपसी बात है, तुम्हारा क्या बीच है बोलने का? तुम बाल तो बोलने मट रहे यहाँ से। हमारा कोई न्यूज व्यूज ना, हमने कहा क्या आप, आपका क्या कहना है आज 3 साल? हम क्या कहना है, तो सलाम साहब की नाती हूँ, नाती फरमानी आप जाइए नहीं, इधर आइए आप, फरमानी आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं आप 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 एक मिनट आप आ जाओ, जो बात अगर कर रहे हैं तो आ जाओ। ये कह रही है, ये आपकी सासें कह रही है, हम लेने मारने गई एक बार भी किसकी? अपने भाई की कसम, तू बता कद गई लेने? एक दिन बता तू गई कल लेने? गई का तू गई कब? गई कब? गई कब? गई कब? गई नो बता दे, दिन तारीख बता। ये कह रही आप लेने ही नहीं? अल्लाह कसम, खा कसम, तू झूठा, तू कंजर है, मैं इनसे भूनी मारना चाहती। मुझे दिखाना था इसने शादी कर रखी, वो मैंने दिखा दिया शादी कर रखी, बस बस। यानी आप ये आरोप लगा रहे हो कि आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी, बच्चा भी दिखा दिया, अब भी वो हो रहा क्या? ये कह रही है दूसरी ना, हमने ना करी शादी, तो आज फरमानी नाज 3 साल बाद अपनी ससुराल पहुंची है, हालांकि गर्मा गर्मी नजर आई। देखिए ये तस्वीरें, उनकी सास का कहना है कि हम लेने जरूर गए थे, लेकिन फरमानी का कहना है कि हमारे को कोई लेने नहीं आया। लेकिन आज मैं एक्सक्लूसिव फरमानी की ससुराल में मौजूद हूँ, ये तस्वीरें भी जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके भाई ने शादी ना करी, हमने लौंडिया की नंद मेरी की, इसके हाथ पैर जोड़ खाते वहाँ बचा के, हम नहर में कूदने को जान देने को तैयार हूँ वहाँ भैया, हम लेने गए, मुझे बोल ले वाले से कर गए, आया तो ये छोड़ जाओ, यही रह जाओ, बात करो आप लोग, आ जाओ, वो आप कभी ससुराल में हैं उनसे पूछो। बुला लो झूठे बेटे, कसम खा जा, हम लेने गए हो आज तक, हम दशे फिर गए लेने फरमानी को, अरे हमारा आज तक भी ना, हम रोलो का मर के पोते का मारा, हमारा पोता को भी याद आ रहा है, पोते ने तो खाते आप रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं, रखो लाना चाहते हैं, हमारी को भेज दो, मैंने मेरे पोते को रखो, मेरे पोते को दिखाते, हम देखने जा, मैं हमारे पोते भी ना दिखाते, बूझो मोहल्ले वाले मान से बताओ, मैं लेने गए कितनी फिर गई लेने, आज आने का क्या रीजन रहा उनका? हाँ तो आ जा राजा है, मैं तो रखना चाहूँ, आ जा, मैं तो लाने गई कहीं फिर उनसे बातचीत करते, चलो उनसे भी आ जाओ, आप लोग आओ आओ उनसे बातचीत करने आ जाओ, आयो। देखिए फरमानी नाच की ससुराल है, लगातार आज 3 साल के बाद फरमानी अपने घर पहुंची है, लेकिन इस तस्वीरें उनकी सास, आप बुलाओ उनको, बुलाओ उनसे बातचीत करेंगे, बुला के ले आओ। तो यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल भी नजर आया, लेकिन जो आरोप प्रति आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि फरमानी के पति ने दूसरी शादी कर ली इमरान ने, लेकिन फरमानी आज यहाँ पर आई थी अपने घर पे 3 साल के बाद। ये छोटी छोटी गलियाँ जो आप देख सकते हैं, ये फरमानी नाज की ससुराल है। हालांकि आज पूरी अंदर गहमा गहमी रही, फरमानी इधर चली गई हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूँगा। परिवार का ये कहना है कि फरमानी जब यहाँ पर आई हैं तो रहें, इधर चलते हैं, पीछे आप तस्वीर जरा देख सकते हैं, गर्मा गर्मी का माहौल था। अब फरमानी कहाँ जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे वो फरमानी जा रही हैं। क्या कहेंगे, आरोप ये लग रहा है कि इमरान ने शादी कर रखी है सर, दूसरी शादी कर रखी है, तलाक भी नहीं हुआ। आप क्या कहोगी, आप आज गए वहाँ पर, वो लोग कह रहे हैं कि फरमानी यहाँ पर आई है, हम रखना चाह रहे हैं, रुक जाए यहाँ पे,
झूठ, बहुत फ्रॉड आदमी, मुंह पे कहवे न्यूज के आगे इतना रखने वाले थे ना, अब से पहले थे, 3 साल बाद क्यों आके बोल ले, पहले क्यों नहीं आए? अरे मोहल्ले में जाओ, हमारे गांव में जाके पूछो कि हाँ ये लेना, हमें तेरी ये खेत देते, जो सजा दोगे वो लूंगी, आज तक लेने नहीं आया, 3 साल हो गए मुझे, मेरे बच्चों को भी और मुझे। अरे अल्लाह की कसम, ईश्वर की कसम, हम लेने गए थे लेकिन आई नहीं। इतने जो अपने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, बेटे की औलाद को, अपनी बहन का उसका बता रही, वो कुछ भी कह सके, बहुत झूठी औरत है। अब क्या नजर आ रहा है, क्या इसका वो सोल्यूशन है? आप आए यहाँ पर, आप जल्दी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सोल्यूशन है, कानून करेगी। हमने तो सिर्फ दिखाया कि वो हर रोज झूठ बोल लेना न्यूज पे आके कि मैंने शादी नहीं करी, मैं लाना चाहूँ लेना, आज तक क्यों नहीं, इतना वो है रहना साथ में, इतना वो था तो क्यों नहीं रहा आज 3 साल। आपके इस्लाम धर्म में तो कहा जाता है कि 1 शादी 2 शादी 3 शादी भी कर सकते हैं, लेकिन भैया जी ऐसे नहीं है, अगर मेरी रजामंदी है ना तो 70 कर, जब मेरी नहीं है तो तलाक नहीं, कैसे कर लेगा, करके तो दिखा दू, होने नहीं देने की। लेकिन कह रहे हैं कि आप तो कर ली उन्होंने शादी, कर ली, बच्चा भी हो गया, जब ही तो आई मैं, और मैंने थोड़े कह दिया था कि मैं नहीं आ रही तो शादी कर ले। लेकिन आपकी जो ससुराल के पक्ष थे, मैं उनसे बातचीत कर आया, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप फरमानी आ जाइए तो यहीं रुक जाए, हम तो स्वागत कर। वो तो कहेंगे कि मुझे घर में बढ़ते क्या कहा, क्यों आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बढ़ने की, नंद कह रही वो उल्टी सीधी गाली भी दी हमें, देखा आपने, इतनी बुरी बुरी गाली दी, सुनी आपने भी, बकवास मारी। अब आप कहाँ जा रही हैं, आगे आगे अभी कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर में, घर पे जा रही हूँ, हसनपुर में थी, मुझे हम रोज देखते हैं उसकी, हर रोज जब भी कहते हैं मैंने शादी नहीं करी, मैं लाना चाह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, झूठा उसको मेरिट लेकर रह रहा था, आज यहाँ पे लेकर आया यहाँ से झूठ बोलने वाला। आपको ये जानकारी किसने दी कि आपके हस्बैंड ने, आपके पति ने, इमरान ने दूसरी शादी कर ली? मुझे पता था, जहाँ कर रखी मैं वहाँ भी गई थी, जिस गाँव में उन्होंने शादी कर रखी, चरथावल, हाँ रोड पे यार उनका घर भी, उनसे भी जाके झूठ बोला कि मेरी बहू, पहली बहू की तलाक हो गई, और हमने जब शादी करी, हम शादी करने आए, और जिसको लाया ना वही भाग्य भी, पहली रात में भाग गई थी, उसको लाके यहाँ बिठा रखी जिसने, वो मैं ऐसे नहीं है, सारी जानकारी करके जब भाई मुझे पता किसने शादी कर ली, बच्चा भी हो गया। ये कहा जा रहा है कि आपको लगातार लेने गए लेकिन आप आई नहीं, तो फिर कोई भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये बच्चा भी जो आपने दिखाया है, ये बच्चा किसका था? इसी का ही है बिल्कुल, मुझे पता पूरा, इमरान का, यानी आपके हस्बैंड का। हाँ, जो नाजायज औलाद जन रहा ना, दूसरी तलाक भी नहीं कर शादी करके बैठ गया, और ऐसी वो जो उसके माँ बाप भी, मैं तो उसके माँ बाप को भी कह रही, जिसको ये पता होते सिवत के इसकी बहू सोशल मीडिया पर हटे हमरे में तलाक नहीं हुई, उन्होंने भी शादी कर दी, वे भी भगोड़े होंगे जो अपनी लौंडे को नुई भेज दी, जलील आदमी। तो अब आप यहाँ रुकने को तैयार नहीं हो, क्या बात है, आप रुकना नहीं चाहती अपने ससुराल में, या क्या देखा, रुकने लायक है कि ये इंसान, आपने देखा क्या, 3 साल बाद में आ जाई, कभी ये कहा कि नहीं, अगर इतने इज्जतदार होते, बिठाते, कुछ करते, जाके उस बहू को भी दुबकाने लगे, उन्होंने कह रही तेरी हिम्मत कैसे हुई, पहले घर में कैसे बड़ी, आपने तो देखा, अब तो न्यूज वाले, अब तो दिख रहा होगा सभी भगा रहे थे। यानी अब आपका कोई प्लान नहीं है अपने ससुराल में आने का ही, अगर आप अगर आपको लेकर आए, आपको लेने में भी इसका नाम चढ़ावा, इस बच्चे का जोन से बोले ना, उसका हराम का सा राशन खम है, पहले मेरे लड़के का खम था, 2 साल उसका खाया, 1.5 महीने के को लेके चली गई थी, है अब इसके का वो कर लिया, इन्होंने ये धंधा बना रखा। तो अगर कोई बातचीत बनती है आपके ससुराल पक्ष से, या आपके क्या मन में, आप जाना चाहती हैं या फिर क्या मन में? मैं प्रशासन से चाहूँ इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका तो मैं रहना चाहती नहीं, क्यों रहूँ मैं जब इन्हें शादी कर ली, उस औरत को भी और इसे भी, जो आगे से कोई भी औरत ऐसा ना करे कि उसकी शादी हुई, उसके आगे बढ़ जावे, शादी कर ले दूसरी। देखिए, हमने आपके ससुराल वालों का पहले इंटरव्यू किया, आपके हस्बैंड से भी बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मैं फरमानी को लाना चाहता हूँ लेकिन फरमानी आना नहीं चाहती, फरमानी एक बड़ी सिंगर बन गई है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत झूठ बोले, मैंने गाना शुरू करा अपनी मजबूरी में आके, अपने बच्चे को देख के। तो आप ये बताओ कि दूसरी शादी कर ली, बच्चा कर हो गया, इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं दिल में दुखन है? सर, जब मैं गाना गाने लगी मुझे पता लगा उसकी शादी हुई, मैंने उस पर केस भी करा, उसमें कुछ